ये कहानी है 12 साल के एक लड़के की जो अपनी ही स्टेप मदर के साथ रिलेशन बनाना चाहता है। हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 1972 में रिलीज हुई एक रोमांटिक थ्रिलर मूवी जिसका नाम है व्हाट द पीपल शो। मूवी की स्टार्टिंग में हम सारा नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपने बाथ टब में नहा रही थी, तभी उसे करंट लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये था इस मूवी का इंट्रो। अब स्टोरी एक साल बाद की दिखाई जाती है जहाँ हम देखते हैं एलिस नाम की एक लड़की को जो अपने हस्बैंड पॉल के घर आई हुई थी। एलिस पॉल की दूसरी वाइफ थी और सारा जो थी वो पॉल की पहली वाइफ थी जिसे हमने स्टार्टिंग में मरते हुए देखा था। पॉल एक बिजनेसमैन था इसीलिए वो किसी काम से बाहर गया हुआ था और एलिस को पॉल ने अपने 12 साल के बेटे मार्कस का ख्याल रखने के लिए भेजा था। एलिस मार्कस की स्टेप मदर थी इसीलिए उसका भी फर्ज बनता है मार्कस का ख्याल रखना। पॉल ने एलिस को बताया था कि मार्कस अपनी बोर्डिंग स्कूल गया है और वो एक हफ्ते के बाद घर लौटेगा, इसीलिए एलिस वहाँ पहले ही पहुँच गई थी। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि मार्कस तो घर पर ही है। जब एलिस उसका रीजन पूछती है तब मार्कस कहता है कि उसे स्कूल में जल्दी छुट्टी मिल गई क्योंकि स्कूल में चिकन पॉक्स फैल गया है, तो एलिस उस पर यकीन कर लेती है। पर उसे ये सब थोड़ा अजीब जरूर लग रहा था। वो हैरान थी क्योंकि मार्कस एज में भले ही छोटा था पर वो ऐसी बातें करता था जैसे वो कोई बच्चा नहीं बड़ा आदमी हो। अगली सुबह एलिस को पॉल का कॉल आता है और पॉल मार्कस से बात करना चाहता था, तो एलिस मार्कस को फोन देने जाती है। उस टाइम मार्कस बाथ टब में नहा रहा था। एलिस उसे फोन देती है और वो पॉल से बातें करता है। उसकी बात हो जाने के बाद एलिस पॉल से बातें करने लगती है। जब एलिस पॉल से बातें कर रही थी तब मार्कस एलिस के पास आता है और उसे गंदी तरह से टच करने लगता है। मार्कस का ऐसा बिहेवियर देख के एलिस हैरान हो जाती है, साथ ही उसे गुस्सा भी आता है, पर वो उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। जैसे जैसे टाइम बीतता है हमें पता चलता है कि मार्कस का कोई दोस्त नहीं है, साथ ही मार्कस एक बिगड़ा हुआ लड़का होता है। एलिस उसका ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती, पर मार्कस अपनी ही स्टेप मदर को गलत नजरों से देखता है। कुछ दिनों बाद मार्कस के डैड अपना काम खत्म करके वापस आ जाते हैं। मार्कस और एलिस एयरपोर्ट पर पॉल को लेने जाते हैं। जब वो कार लेकर घर आ रहे थे तब पॉल एलिस को टच करने लगता है जिससे एलिस का ध्यान हट जाता है और उनका एक्सीडेंट होने ही वाला था कि तभी एलिस कार को कंट्रोल कर लेती है। घर आने के बाद एलिस और पॉल इंटीमेट होते हैं और मार्कस बाहर खेल रहा होता है। उस शाम ये तीनों एक होटल में डिनर करने के लिए जाते हैं जहां पॉल एलिस से पूछता है कि क्या तुमने मेरी तिजोरी से पैसे निकाले हैं। तब एलिस कहती है कि नहीं, मार्कस ने निकाले थे उस टैक्सी को पे करने के लिए। ये सुन के मार्कस कहता है कि मैंने तो सिर्फ 365 से निकाले थे। तब एलिस कहती है कि तुम खुद मुझे बता रही थी कि मैंने डेट के सारे पैसे निकाल लिए। इस पर मार्कस तुरंत कहता है कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं। कुल मिलाकर पैसे गुम होने का सारा श्रेय एलिस को मिलता है। इसीलिए घर आने के बाद एलिस मार्कस का रूम चेक करती है। उसे रूम में से पैसे तो नहीं मिलते पर उसे एक फटा हुआ लेटर जरूर मिलता है। एक दिन जब मार्कस और पॉल स्विमिंग कर रहे थे तब मार्कस पॉल को बताता है कि एलिस मेरा जरा भी ख्याल नहीं रखती और साथ ही वो ये भी कहता है कि वो मुझे जरा भी पसंद नहीं करती। उसकी ये सारी बातें एलिस सुन रही थी, तो वहीं पॉल भी मार्कस की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो एक बच्चा है और बच्चे कुछ भी बोलते रहते हैं। मार्कस पॉल को ये भी बताता है कि एलिस ने मेरे रूम की तलाशी ली। पॉल एलिस को इसके बारे में पूछता भी है पर वो कुछ नहीं बताती। एक दिन एलिस मार्कस के बारे में पता करने के लिए स्कूल जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि मार्कस की कोई छुट्टियाँ नहीं चल रही बल्कि उसे तो स्कूल से निकाल दिया गया है। उन्होंने एक लेटर भी भेजा था पर वो मार्कस ने डिस्ट्रॉय कर दिया था जिसके टुकड़े एलिस को मार्कस के कमरे में से मिले थे। स्कूल में उसे पता चलता है कि मार्कस आसपास के घरों की जासूसी करता है और लोगों को इंटीमेट होते देखता है, साथ ही वो स्कूल के आसपास फटकने वाली बिल्लियों को जान से मार देता है। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसे निकाल दिया गया है। एक दिन एलिस पॉल के साथ एक पार्टी में जाती है जहां उसकी मुलाकात सोफी नाम की एक औरत से होती है। वो बताती है कि सारा मेरी फ्रेंड थी और उसकी बाथटब में डूबने से मौत हो गई थी। अब एलिस को ये लगने लगा था कि मार्कस ने ही सारा को मारा था। एलिस ये सब पॉल को समझाने की कोशिश भी करती है, वो उसे मार्कस के बारे में भी बताती है पर पॉल उसका यकीन नहीं करता, उल्टा उन दोनों की बहस हो जाती है। एक रात एलिस किसी काम से ऊपर वाले स्टोर पर जाती है, तभी वो देखती है कि उसके बेडरूम की छत पर एक होल है जिससे उनका बेड दिखाई देता है। यह देख के उसे तुरंत मार्कस का ख्याल आता है और उसे पता चल जाता है कि मार्कस उन दोनों को इंटीमेट होते देखता है, तो एलिस तुरंत मार्कस के पास जाती है और उससे पूछती है कि वो उन दोनों को क्यों देखता है। तब मार्कस कहता है कि मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। एलिस उसे पूछती है कि क्या वो सारा को भी इसी तरह देखता था। तब मार्कस कहता है कि सारा को देखने में उसे मजा नहीं आता था, वो कहता है कि वो तुम्हारी तरह हॉट नहीं थी। अब यहाँ एलिस मार्कस से पूछती है कि सारा की मौत कैसे हुई, तो मार्कस कहता है कि उसे दिल का दौरा पड़ा था
ये सुनकर एलिस कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, उसकी मौत करंट लगने से हुई थी। एलिस उसे कहती है कि तुम बहुत कुछ जानते हो पर तुम मुझे बता नहीं रहे। इस पर मार्कस कहता है कि मैं ये सब तुम्हें क्यों बताऊं, मुझे इसमें क्या मिलेगा। तब एलिस उसे पैसे ऑफर करती है पर वो मना कर देता है और कहता है कि उसे एलिस चाहिए। तब एलिस एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगती है और मार्कस उसके सवालों के जवाब देने लगता है। वो कहता है कि सारा को एक हार्ट कंडीशन थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, उसने ये बात पॉल को भी नहीं बताई थी। मार्कस कहता है कि उसे ये बात डॉक्टर के एक लेटर से पता चली है। तब एलिस को लगता है कि मार्कस झूठ बोल रहा है और वो उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एलिस वो हॉल पॉल को दिखाती है पर जब वो वहाँ देखते है तो वहाँ कुछ नहीं था। एलिस पॉल को बताती है कि मार्कस उनके कमरे में जागता रहता है पर पॉल उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे भी अब लगने लगा था कि एलिस अब पागल होती जा रही है। लेकिन एलिस हार नहीं मानती, वो सारा की मौत पर रिसर्च करती है और उसे पता चल जाता है कि मार्कस ने ही सारा को मारा था। मार्कस ने सारा के बाथटब में खराब हीटर लगा दिया था जिससे उसे शॉक लगा और उसकी डेथ हो गई। अब इसके बाद एलिस मार्कस से और भी बातें पता करना चाहती थी, इसीलिए वो मार्कस से पूछती है कि उसने सारा को क्यों मारा। तब मार्कस कहता है कि सारा उसे जरा भी पसंद नहीं थी, साथ ही वो ये भी कहता है कि उसे लोगों को टॉर्चर करने में बड़ा मजा आता है। वो एलिस से कहता है कि अब मरने की बारी तुम्हारी है। ये सुनके एलिस मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्योंकि कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। पॉल को भी अब लगने लगा था कि एलिस पागल हो चुकी है। इसके बाद एलिस की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाता है। कुछ महीनों बाद जब एलिस ठीक हो जाती है तब उसे छोड़ दिया जाता है। एक दिन ये तीनों पार्क में घूम रहे थे, पॉल और एलिस बातें कर रहे थे और मार्कस अपने डॉग के साथ खेल रहा था। कुछ देर बाद एलिस और मार्कस मिलते हैं और सारा की मौत पर बातें करने लगते हैं। मार्कस एलिस से कहता है कि अब वो उसको नहीं मारेगा क्योंकि वो अब उसे पसंद करने लगा था। एलिस भी उसके साथ अजीब अजीब बातें करने लगती है और मार्कस को बताती है कि वो लोग पॉल को मारकर कहीं दूर भाग जाएंगे और एलिस मार्कस को एक किस भी करती है। इसके बाद एलिस को रोड पर एक तेजी से आती कार दिखाई देती है। ये देख के एलिस डॉग के टॉय को रोड पर फेंकती है। जब डॉग उस टॉय को रोड पर लेने जाता है तब मार्कस भी उसे बचाने के लिए पीछे भागता है, लेकिन वो कार मार्कस को एक जोरदार टक्कर मारती है और मार्कस की वहीं पर मौत हो जाती है। और एलिस बस मार्कस की बॉडी को देखकर मुस्कुराने लगती है। अब वो आजाद थी, उसने जो प्लान बनाया था वो उसमें कामयाब रही और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।